अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने अपनी कार को वॉश करते हुए दिखाया था। उस वीडियो में मैंने जो कार वॉशर यूज़ किया था वो एक होममेड कार वॉशर था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएँ कि आपने ये कार वॉशर कैसे बनाया। तो बेसिकली ये वो बेसिकली मैकेनिज़म था जो मैंने उस वीडियो में यूज़ किया था और ये वो पंप था जिस जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जो है वो जनरेट करता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पंप जो है वो मैंने कैसे बनाया और इसका प्रेशर भी इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कार वॉशर पंप कैसे बनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो हमारे इस प्रोजेक्ट का वो ये मोटर है। ये डीसी मोटर है, 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट 20 वोल्ट तक भी ऑपरेट होती है। ये 775 डीसी मोटर है, उमूमन जो है ये 12 वोल्ट की ड्रिल मशीन में यूज़ होती है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो करना है काम, वो ये करना है कि इसकी शाफ्ट पे हमें थ्रेड्स बनाने हैं। थ्रेड्स बनाने के लिए इस शाफ्ट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने का तरीका इसका ये है कि यहाँ पे इसके ये कुछ लॉक्स होते हैं, ये अंदर दबे हुए होते हैं। तो मैंने इसको ये प्लास की मदद से इनको खोल लिया है। चार तरफ ये लॉक्स होते हैं। तो अब ज़रा सी इसको हल्की सी मैं यहाँ से चोट मारूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये इसकी बैक प्लेट बाहर आ गई। ये इसके ब्रशेज हैं, इसके ब्रशेज को निकाल लेंगे केयरफुली, ये काफ़ी नाजुक होते हैं। ये ब्रशेज इसके बाहर आ गए तो इसको प्लास की मदद से मैं खींच लेता हूँ। ये तो ये जो इसकी शाफ्ट का अगला हिस्सा है, इसमें हमें थ्रेड्स बनाने हैं। इस शाफ्ट का डाया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 5 mm इसका डाया है और हम जो डाई इस्तेमाल करेंगे थ्रेड्स के लिए M5 की डाई है, 5 mm की डाई है। तो अभी इससे हमें थ्रेड्स बनाने हैं। अच्छा, पहला प्रोसेस ये है कि ये जो जहाँ पे हमें थ्रेड्स बनाने हैं शाफ्ट के जो मुंह को है हमें थोड़ा सा टेपर करना है। उसके लिए मैं इस रोटर को ड्रिल चक में पकड़ के थोड़ा सा ग्राइंड करूंगा फाइल की मदद से। ये देख सकते हैं आप, इसका फेस जो है वो टेपर हो चुका है। अच्छा जी, टेपर करने के बाद अब इस डाई को जो है वो मैं इस वाइस में पकड़ लूंगा। अब ड्रिल को मैं स्लो स्पीड पर रखूंगा और इसको जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन पर रखूंगा। अच्छा, अब इसको पुश करते हुए बिल्कुल स्लो स्पीड में जो है ना इसको मुझे टर्न करना है। स्लोली स्लोली इसको रोटेट करना है और पुश करना है और इससे अब जो है वो पकड़ लिया है। इसमें से ये जो है उसके जो कटिंग का मटेरियल है निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, एक दो टर्न्स देने के बाद अब हम इसको रिवर्स करेंगे। यहाँ से अब जो मैं इसको रिवर्स करूँगा ताकि जो मटेरियल इसमें कटिंग का फंसा हुआ है वो निकल जाए। एक दो टर्न देने के बाद दोबारा इसको क्लॉकवाइज पोजीशन पे लेके आना है। फिर इससे कटिंग शुरू कर दी, फिर आप इसको जो है वो थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाना। तो क्लॉकवाइज में ये कटिंग करता है और एंटी क्लॉकवाइज में जो कटिंग का मटेरियल इसका फंसा हुआ होगा वो ये निकालेगा। खिड़खिड़ की आवाज़ सुन रहे हैं ये, जब आने लगे तो इसको फिर रिवर्स चलाना है। ये बस इसका ट्रिकी पार्ट है थोड़ा सा। चलो, मैं काफ़ी लंबी थ्रेड बन गई है। ये देखें, ये हमारी थ्रेड जो है वो बन चुकी है। अब हमें इसको दोबारा से जो है वो असेंबल करना है इसकी बॉडी में। अच्छा, अब ये जो है उसका ये ब्रशेस का कवर लगाना है। इसमें जो है वो ये कट्स के हिसाब से इन्होंने ये दिए हुए, तो इसके हिसाब से इसको बिठाना पड़ता है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो चौड़ा वाला है वो चौड़े वाले में बैठेगा और जो थोड़ा पतला है वो पतले वाले में बैठेगा। देखिए, ये नीचे तक बैठ गई है और अब जो है वो इसकी बैक प्लेट लगा देंगे। और ये जो लॉक्स हैं इसके, अब ये मैं इसको दबा दूंगा लॉक्स, आगे ये बैक प्लेट सिक्योर हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये लॉक्स जो है लग चुके हैं। अब जो है वो ये मोटर दोबारा अच्छी तरीके से पैक हो गई है और अब इसमें हमारे पास थ्रेड्स भी मौजूद है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस मोटर की रोटेशन हमें मालूम करनी है कि काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ये किस तरीके से रोटेट करेगी। तो इसके लिए इसकी शाफ्ट पे मैं ये पेपर टेप लगा दूंगा और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हम इसको
कनेक्ट करके देखेंगे कि कहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रही है। यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रेड वाला मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो मैं यहाँ पे इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। अच्छा, ये जो रेड वाला हमने मार्क किया था उसके साथ मैंने रेड तार यानी पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा वाला अंडरस्टूड सी बात है नेगेटिव होगा तो उसके साथ मैंने ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया। अच्छा जी, अब हमें ज़रूरत है 1 इंच के पीवीसी पाइप की कैप की। तो सबसे पहले इसका जो है वो अंदाजे से मैं सेंटर एक मार्क कर लूँगा, तकरीबन सेंटर है, तो इसको मैं पंच कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो है वो इसमें जो ड्रिल करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि ये जो थोड़ा सा ये इसका निकला हुआ है मोटर के हाउसिंग का, ये इसमें बैठ गया है। तो इसकी मैं डायमेंशन देख लेता हूँ कितनी है। ये तकरीबन है 17.3 mm, जबकि मेरे पास बिट है वो तकरीबन 19 mm की है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। काफ़ी जो है वो बेहतर जो है वो सेंटर में होल हो गया है, अंदाजे से किया था। अच्छा, अब जो है वो इसमें ये डिस्चार्ज का जो है वो पाइप लगाना है। ये मेरे पास सिल्वर का पाइप है, इसका आउटसाइड डायमीटर बता देता हूँ, ये तकरीबन 8 mm इसका डायमीटर। अच्छा, ये जो है वो आपके कॉपर की पाइप इजीली जो एसी के पार्ट्स वगैरह जहाँ से मिलते हैं ना वहाँ पर ये कॉपर का पाइप आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास सिल्वर का पड़ा हुआ था तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो डिस्चार्ज के लिए जो है ना हमें कुछ इस पोजिशन पर इस पाइप को लगाना होगा, डिग्री एक सर्टेन डिग्री पे आई थिंक ये कोई 30 डिग्री बनेगा ये एंगल। तो इसको पहले मैं 30 डिग्री पे ऐसे कट करूँगा और फिर यहाँ पे एक होल करूँगा ताकि ये इसमें फिक्स हो सके। ये देखें जी, ये तकरीबन 30 डिग्री पे मैंने इसको कट कर लिया। अब इसमें मैं होल करूँगा 8 mm का, तकरीबन 16 सेंटर से जो है वो हट के इस तरफ जो है वो मैं होल करूँगा। अच्छा, इसका तरीका ये है कि पहले स्ट्रेट होल्ड करना है, फिर इसके बाद इसको टेपर करना है तकरीबन 30 डिग्री पे अंदाजे से। ये देखेंगे इस तरीके से ये यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, अब इस मोटर में इस कैप को हमें फिक्स करना है, इसके लिए जो है वो मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगा, ये मैजिक डिपॉक्सी स्टील, इसके ज़रिए से मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर दूँगा और मोटर की बॉडी के साथ बेसिकली ये फिक्स हो जाएगा, और इसी से जो है बेसिकली मैं ये जो हमारा डिस्चार्ज पाइप है इसको भी इसके साथ इस तरीके से मैं ग्लू लगा दूँगा, ये मैजिक डिपॉक्सी स्टील। अच्छा, ख्याल ये करना है कि शाफ्ट के आसपास ना लगे वरना ये शाफ्ट को भी ग्लू पकड़ लेगा। अच्छा जी, अब जो शाफ्ट है उसकी लीकेज रोकने के लिए एक रबड़ की पैकिंग बनानी है। ये एक रबड़ है, ये मैंने मोची की दुकान से ली है, थोड़ी सी मोटी रबड़ है, जितनी मोटी होगी उतना अच्छा है ताकि सील हमारी मोटी हो सके। तो जो इनसाइड होगा मोटर की हाउसिंग की उसके हिसाब से मैं डायल ले लूँगा, तो 32 mm उसका इनसाइड है, तो उसके हिसाब से ये 1/2 बाय 1/4 का रिड्यूसर है, तो ये जो है 32 mm है, तो मैं आउटर ले लेता हूँ, वरना प्रकार की मदद से भी उसको बना सकते हैं। देखिए, अब मार्किंग हो गई है इसकी, मैं कैंची की मदद से इसको काट लेता हूँ। और इसके सेंटर पे होल करना है। 5 mm की जो है वो शाफ्ट है, तो मैं इसमें 4 mm का होल करूँगा ताकि उस शाफ्ट को ये पकड़ ले और लीकेज से रोक सके। मैं सेंटर जो है उसका अंदाजे से मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा अंदाजा आउट है, ये सेंटर सही है। अच्छा, अब इसमें होल करने का तरीका ये है कि इसमें मैंने 4 mm की ड्रिल कर दी है और ये 4 mm की ड्रिल है। अब ये निशान जो हमने लगाया है इसको मैं अंदाजे से इस होल के ऊपर रखूँगा और ड्रिल की मदद से अब इसको मैं पंच करूँगा। ये
आप देख सकते हैं 4 mm का जो है वो होल हो गया। अच्छा, अब इस रबड़ को जो है वो हम इसी मैजिक डिपॉक्सी स्टील से लगा देंगे। ये 1 by 1/2 का बुश है, इससे ज़रा मैं प्रेस कर दूंगा ताकि ये जो पैकिंग अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसने जो है वो शाफ्ट को जो है रबड़ ने पकड़ लिया है। अब ये लीकेज जो है ना इसके आसपास से नहीं होगी। अच्छा, अब जो है वो हमारा ये मैजिक बना हुआ है, तो अब हम ये भी जो है उसमें लगा देंगे डिस्चार्ज पाइप। इसको अच्छी तरीके से कवर करना है ताकि यहाँ से कोई लीकेज ना हो। तो ये दोस्तों अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पकड़ लिया है इसको दोनों जो है वो ज्वाइंट, और तीनों बल के ज्वाइंट जो है अच्छी तरीके से जो हमारे सूख चुके हैं। अच्छा, अब एक और मेन काम इसका इम्पेलर बनाना है। इम्पेलर जो होता है बेसिकली वो एक तरफ से पानी को सक्शन करता है और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज करता है। तो इम्पेलर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये जस्ट की चादर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी मैं थिकनेस आप लोगों को बता देता हूँ, ये तकरीबन 0.5 mm ये थिक है जस्ट की चादर। और इसका जो डायमीटर होगा ये जो 1/2 का मैं बुश यूज़ कर रहा हूँ इसके हिसाब से मैं इसका डायमीटर लूँगा। तो इसको मैं आउटलाइन कर लेता हूँ। अच्छा, अंदाजे से मैं इसका सेंटर मार्क कर दूंगा। सही है, तकरीबन सेंटर में है ये। अच्छा, अब एक ज्योमेट्री बनानी है कुछ इस तरीके से कि सेंटर से तकरीबन 6 mm दूर जो है वो एक लाइन खींचनी है और इतना ही फासला 6 mm के दूर पे एक और लाइन खींचनी है। इस तरीके से हमें चारों तरफ लाइंस बनानी है। अच्छा, ये जो मैंने डैश डैश वाले निशान लगाए हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो हमें कटिंग करनी है। अच्छा, सबसे पहले सेंटर में 4 mm का मुझे होल करना है। ड्रिल की मदद से मैं 4 mm का होल कर लेता हूँ। 4 mm का होल हो गया है। अब इसमें ये थ्रेड्स बनाने हैं मुझे 5 mm के। चलो, मैं अब इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब जो है वो इस लाइन से हमें इसको बैंड करना है चारों को। तो मैं एक प्लास की मदद से यहाँ से इसको ग्रिप कर लूँगा और फिर यहाँ से इसको बैंड करूँगा। कुछ इस तरीके से इसको बैंड करना है, इसी तरीके से चारों बैंड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इम्पेलर जो है वो रेडी है। अब इसको देखेंगे कि इसका साइज बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा साइडों से हम चारों तरफ से इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलो भाई, अब ये इम्पेलर साइज के बराबर हो गया। अब इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे, थ्रेड्स में इसको टाइट कर देंगे। अच्छा, थोड़े से थ्रेड्स मैंने इसके चढ़ा दिए हैं और अब बाकी जो है वो जब मैं इसको पावर दूंगा तो खुद ही जाके जो है वो अंदर जाके टाइट हो जाएगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव देना है और अब जब मैं नेगेटिव को इसको पावर दूंगा तो ये खुद ही इसका जो इम्पेलर है वो टाइट हो जाएगा जाके। ये आप देख सकते हैं खुद ही जाके अंदर टाइट हो गया। जब भी मैंने इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रखी है ताकि
जब जब ये चले इंपेलर तो ये खुद ही जो है ना टाइट पोजीशन पे चले, ये लूज ना हो। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो ये लूज होके बाहर आ जाएगा। तो अभी इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। शुरू में थोड़ा टाइट चलेगा क्योंकि जो इसकी नीचे हमने पैकिंग की रबड़ दी है वो भी इसको हार्ड करेगी इसको, और इंपेलर शुरू में थोड़ा टाइट चलेगा, बाकी जब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो फिर ये लूज हो जाएगा, यानी कि फ्रीली चलेगा फिर ये। अब सक्शन के लिए जो है वो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा, 1/2 का रिड्यूसर कह लें या बुश रिड्यूसर कह लें। अच्छा, इसको इस तरीके से लगाने के इसके ये जो ये बॉटम वाली साइड है ये इंपेलर से टच ना हो, ये थोड़े इससे दूर ही रहे, तो उसके लिए मैं पहले इसकी पैमाइश ले लूँगा कि कितना अंदर है। ये तकरीबन 13 mm है, तो मैं तकरीबन 10 mm पे जो है वो यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दूंगा ताकि 10 mm से ये ज़्यादा अंदर ना जाए। अब इस पार्किंग पे हमें इसको रखना है ताकि अंदर का इंपेलर जो है वो फ्रीली घूम सके। अच्छा, ये इसमें जो है वो थोड़ा सा लूज है, तो मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी पैकिंग दूंगा, ये पेपर टेप लगा देता हूँ उस पर। अब ये जो है वो काफी टाइट हो गया, इसमें चला गया। एक दफा फिर हम इसको पावर देके देख लेंगे कहीं इंपेलर इसका अंदर टच तो नहीं हो रहा है इसके साथ। सही जो है वो फ्रीली जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, अब हमारा प्रैक्टिकली पंप रेडी है, बस मैं इसको पेंट कर लेता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों, पंप हमारा बिल्कुल रेडी है टेस्टिंग के लिए। इसमें अब जो है वो मैं एक ये पाइप लगा दूंगा ताकि इसकी टेस्टिंग हो सके। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था इस मोटर के बारे में कि ये मोटर 775 जो डीसी मोटर है ये आपको कहाँ से मिल सकती है। ये मैंने सदर कोऑपरेटिव मार्केट से ली है, ये 500 के अराउंड आपको मिल सकती है आसानी से। इसके अलावा ऑनलाइन भी ये दराज पे अवेलेबल है, तो दराज पे थोड़ी सी कॉस्टली होगी, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको कितने की मिल रही है। अब जो है इसकी टेस्टिंग करनी है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है वो मैंने अपने कार वॉशर में कैसे इस्तेमाल किया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेन जो चीज़ थी इसको पंप बनाने की वीडियो थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। बाकी मैकेनिज्म इसका सिंपल था। ये एक मैंने रंग की पुरानी बाल्टी ली थी, इसमें मैंने होल करके कुछ फिटिंग्स लगाई हैं। फिटिंग्स जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर आके इस पंप से कनेक्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं इस जगह से बेसिकली ये यहाँ पे ये फिटिंग जो है वो कनेक्ट हुई है। बाकी जो है वो पंप का सारा वही मैकेनिज्म है, जो भी हम टेस्टिंग करेंगे वो उसमें आपको इसका प्रेशर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलें दोस्तों, उस पंप को टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसकी टेस्टिंग का टाइम आ गया है। यहाँ पे मैं वही सिमिलर 18 वोल्ट वाली बैटरी कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनडोर ही इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। जस्ट आपको प्रेशर दिखाना है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इसको हम डिप कर देंगे। और अब आप इसका प्रेशर चेक करिएगा, इसको यहाँ से हम लगा देते हैं। बहुत प्रेशर है भाई, नहला दिया इसने मुझे, सब कैमरे वैमरे में भी छींटे आ गई। आई होप ये इसका प्रेशर कैप्चर हो गया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत शदीद प्रेशर था। एक दफ़ा और दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा मैं नहीं चला सकता क्योंकि ये बंद जगह है, तो ये पानी का प्रेशर जो है सब जगह आ रहा है, कैमरे वैमरे में भी आ गया है। एक दफ़ा और दिखा देता हूँ आपको इसका प्रेशर, बहुत शदीद प्रेशर है भाई, कैमरा साफ करना पड़ेगा मुझे, सारा मेरा कैमरा गीला हो गया। तो ये था दोस्तों कार वॉशर पंप बनाने का तरीका। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।